नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपके नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर जो जंतु के प्रकार देखे, तीन प्रकार की, एक तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले। इनको आप अच्छे से पीछे में लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर था उसमें बताया था, आप उसको वापस देख सकते हो, ठीक है। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा उत्सर्जन तंत्र के बारे में, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, कि ह्यूमन का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, उनकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो उत्सर्जन में काम आते सहायक अंग वो कौन से होते हैं, वृक्क। एक मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, वृक्क, किडनी होती है, ठीक है। जो एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं मनुष्य में, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। इसके बाद में क्या ध्यान में रखनी है, आपको स्थिति ध्यान में रखनी है कि ये किडनी होती है स्थित कहाँ पे होती है, वृक्क या जिन्हें हम गुर्दे भी कह सकते हैं, ये कहाँ पे स्थित होता है हमारे शरीर में। तो ध्यान रखना उदर गुहा में, मतलब पेट के जो नीचे वाला भाग है उदर गुहा में, कशेरुकधन मतलब जो रीढ़ वाली हड्डी है उस रीढ़ वाली हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है, कौन, ये आपके वृक्क या किडनी या जिन्हें गुर्दे कहते हैं, ठीक है। तो इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, उदर गुहा में कशेरुकधन के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है उत्सर्जन तंत्र का। अब देखो, हमेशा कोई भी डायग्राम बनाएंगे हम बायोलॉजी के अंदर तो हमेशा ध्यान रखना कि इधर वाला पार्ट कौन सा होगा आपके, लेफ्ट वाला भाग, और इधर वाला कौन सा होगा, राइट। लेफ्ट मतलब बायां वाला भाग और इधर वाला कौन सा होगा, राइट मतलब दायां वाला भाग होगा, ठीक है। तो ये भाग तो हो जाएगा कौन सा, बायां भाग, कौन सा हो जाएगा, बायां, और ये कौन सा हो जाएगा, दायां। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये संरचना जो आपके सेम के बीज के आकार की संरचना है ये क्या हो जाएगा, दायां वृक्क, क्या हो जाएगा, दायां वृक्क। ध्यान रखना अगर इसके आकार की बात करें कि इसका आकार कैसा होता है, किडनी का आकार, आकार ध्यान में रखना, यहाँ पे आकार होता है सेम के बीज के आकार के, सेम के बीज के आकार, ठीक है, आकार की बात होगी। अगली बात करें इसकी साइज की, कि इसका साइज क्या होता है, तो साइज ध्यान रखना 12 × 6 × 3, 12 का मतलब यहाँ पे क्या, आपके 12 का मतलब इसकी क्या हो जाएगी, आपके सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये तो क्या हो जाएगी आपके लंबाई इसकी, ठीक है, और ये 6 क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और 3 क्या हो जाएगी इसकी मोटाई, ये 3 क्या हो जाएगी इसकी मोटाई हो जाएगी, ठीक है, 12, 6 और 3, ये ध्यान में रखना। अब देखो ये तो होगी इधर वाला बायां और इधर वाला दायां, ये हो जाएगा बायां वृक्क, ये क्या हो जाएगा, बायां वृक्क, हो गया क्लियर। अब देखो इसमें से ये दो नलिकाएं निकल रही है वृक्क में से, इन दो नलिकाओं को कहते हैं मूत्र वाहिनियां, क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी, या मूत्र नलिका कह सकते हैं, मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी आगे चलकर के एक थैलेनुमा संरचना से जुड़ी हुई, एक थैलेनुमा संरचना है, इस थैलेनुमा संरचना को कहते हैं मूत्राशय, क्या कहते हैं, मूत्राशय। ये एक आगे संरचना है, इसे कहते हैं मूत्र मार्ग, नलीनुमा जो संरचना है इसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है, मूत्र मार्ग हो गया। अब देखो बाकी जो संरचना बची है, ये दो नलियां, इन्हें क्या कहते हैं, इनमें ध्यान रखना आपकी बुक में एक तो ब्लू कलर से बनी हुई, एक आपकी थोड़ी रेड कलर कह रही है ना, तो ब्लू कलर से उसे बोलते हैं महाशिरा, क्या बोलते हैं, महाशिरा, जबकि जो रेड कलर की है उसे कहते हैं पृष्ठ महाधमनी, क्या कहते हैं, पृष्ठ महाधमनी, पृष्ठ क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ भाग में पाए जाते हैं इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ महाधमनी कहते हैं। अब देखो ये तो हो गया आपके उत्सर्जन तंत्र का नॉर्मली डायग्राम, एग्जाम में अगर आपको डायग्राम का पूछे तो ये आपको डायग्राम बनाना है उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है, बना लोगे इतना डायग्राम। अब देखो इसमें ये तो गया डायग्राम, अब बात करें कि उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, उत्सर्जन तंत्र के भागों की बात करें, देखो उत्सर्जन तंत्र के भाग में सबसे पहला कौन सा था आपके, वृक्क, हो गया। सेकंड नंबर क्या लिख सकते हैं हम, ये मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी क्या लिख सकते हैं, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी के बाद में अगला क्या लिख सकते हैं, मूत्राशय, ये लो मूत्राशय लिख दिया, ठीक है, मूत्राशय के बाद में क्या लिख सकते हैं, मूत्र मार्ग, ये लो मूत्र मार्ग लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम संरचना पढ़ते हैं इस वृक्क की, वृक्क क्या होता है, एक तो इसका आकार ध्यान में रखना,
कि आकार किस प्रकार का होता है, ये आकार की बात कर ली, ठीक है। वृक कितने उपस्थित होते हैं, दो वृक उपस्थित होते हैं, दो वृक उपस्थित होते हैं गुलाबी कलर के, हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक जो बायां वाला वृक है, ये लेफ्ट वाला वृक, ये क्या होता है आपके थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जबकि इधर वाला जो वृक होता है ये थोड़ा सा नीचे उठा हुआ और थोड़ा छोटा भी होता है साइज में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। थोड़ा मामूली से क्या होता है ये छोटा होता है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट वाला क्या होता है आपकी बड़ा भी होता है और ऊपर उठा हुआ भी होता है। क्यों? क्योंकि इस तरफ क्या हो जाता है, क्या पाया जाता है आपकी इस तरफ, जब हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था यकृत पाया जाता है, यकृत के कारण ये क्या होता है थोड़ा सा नीचे की ओर धंसा हुआ रहता है, ठीक है, यही कारण है इसका और कोई कारण नहीं है। वृक के बारे में ये संरचना होगी। अब देखो एक वृक की अगर हम संरचना पढ़ते हैं यहाँ पे, तो एक वृक की संरचना आपके इस प्रकार से होती है, ये लो एक वृक की आपके सामने यहाँ पे संरचना, अब देखो इसके अंदर जो पिरामिड के समान, एक बार ध्यान देना ये बाहर वाला भाग है ये वल्कुट कहलाता है, इसमें किडनी की संरचना देखें तो ये इस प्रकार की संरचना, ये वल्कुट कहलाता है और ये भाग होता है ये पूरा पूरा, ये आपके कहलाता है मध्यांश, या इन्हें कहते हैं पिरामिड कहते हैं, क्या कहते हैं पिरामिड कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे ये तो बाहर निकली हुई आपकी मूत्रवाहिनी होगी, ठीक है, ये मूत्रवाहिनी होगी। अब देखो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की कुछ संरचना उपस्थित होती है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है इसके अंदर, ये इस प्रकार की संरचना पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है, इस प्रकार की संरचना उपस्थित होती है। इन संरचनाओं को कहते हैं नेफ्रॉन, क्या कहते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन को क्या कहते हैं हिंदी में व्रकाणु कहते हैं, क्या कहते हैं व्रकाणु। तो देखो यहाँ पे जो एक किडनी की संरचना में अनेक सारे नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं, ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं आपके ब्लड को छानने का कार्य करते हैं, ब्लड में से अशुद्धि होती है उनको अलग करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इस नेफ्रॉन्स को वृक की संरचनात्मक, वृक की संरचनात्मक व कार्यात्मक, व कार्यात्मक इकाई कहते हैं। किसको कहते हैं? नेफ्रॉन्स को क्या कहते हैं? वृक की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहते हैं। इसमें अनेकों लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना ब्लड क्या होता है, इन जो आपकी महाधमनी होती है ये तो क्या करती है इसमें लाती है, और जो महाशिरा होती है ये ले जाती है। जैसे क्या होता है ब्लड आपकी महाधमनी के द्वारा इसमें आता है, तो इसमें क्या होता है ये नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं, और इन नेफ्रॉन्स की सहायता से ब्लड क्या हो जाता है आपका, मतलब शुद्ध हो जाता है या छन जाता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध हो जाता है। ब्लड में से जो भी अशुद्धियाँ होती है नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ उनको अलग कर दिया जाता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वो वापस शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? नेफ्रॉन के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं? वृकाणु कहते हैं। और किडनी के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, वल्कुट और मध्यांश का भाग, क्लियर है। और वृक की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगली जो संरचना है वृक के बाद में अगला कौन सा? नेफ्रॉन, सॉरी ये मूत्रवाहिनी, ठीक है, ध्यान रखना। वृक से दो मूत्रवाहिनी निकल के आपकी कहाँ से जुड़ी होती है? मूत्राशय से। ये क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थों को किडनी से कहाँ पे पहुँच जाती है? मूत्राशय में। मूत्राशय के बारे में पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि मूत्राशय एक थैलेनुमा संरचना है, इसमें मूत्र इकट्ठा रहता है कुछ समय तक, आपके जैसे पर्याप्त मात्रा में मूत्र इकट्ठा हो जाता है तो बाद में इसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, और मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये तो था आपके उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मेन टाइप से जो याद रखना हमें वो याद रखना इस नेफ्रॉन्स की संरचना पूछता कभी एग्जाम में, ठीक है, कि नेफ्रॉन्स का डायग्राम किस प्रकार से होता है, या नेफ्रॉन्स की संरचना को आप किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, और नेफ्रॉन्स के कार्य क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, आप उसको देखना यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है आपको डायग्राम। अब देखो यहाँ पे कि वृक धमनी, सॉरी जो आपकी महाधमनी है जिसे वृक धमनी भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पृष्ठ वृक धमनी। देखो यहाँ वाला जो भाग होता है एक भाग तो यहाँ पे कहलाता है वृक सिरा, क्या कहलाता है? वृक सिरा, ये कहलाता है वृक सिरा।
और ये भाग कहलाता है आपके वृक धमनी। क्या कहलाता है? वृक धमनी। ये देखो ये वृक धमनी वाला भाग कौन सा है? यही भाग है पृष्ठ महाधमनी वाला। तो वृक धमनी के द्वारा किडनियों में रक्त लाया जाता है। ठीक है, जैसे ही रक्त आता है किडनी में तो ये रक्त आपकी किस में जाता है? नेफ्रॉन्स में चला जाता है। अब देखो नेफ्रॉन्स की संरचना किस प्रकार से होती है, इस नेफ्रॉन्स की संरचना को यहां पे आप समझना। नेफ्रॉन्स की संरचना देख लेना किस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है। ये आपको इस प्रकार से इसका नेफ्रॉन्स का डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोसेस क्या होती है, इसकी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को यहाँ पे ध्यान में रखना। सबसे पहले ये जो भाग है, ये भाग कहलाता है आपका बोमेन संपुट। क्या आप कहलाता है? बोमेन संपुट। वैज्ञानिक बोमेन ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। प्याले नुमा जो संरचना, इस प्रकार की जो प्याले नुमा संरचना वो क्या कहलाती है? बोमेन संपुट। अगली ये संरचना कहलाती है आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहलाती है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। हो गया क्लियर? ये जो नलिका कहलाती है, ये कहलाती है आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका। आप देखो समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका को जो जोड़ने वाला ये लूप है, इस लूप को बोलते हैं हेनले का लूप। कौन सा लूप? हेनले का लूप। ठीक है, और ये जो नलिका कहलाती है, ये नलिका कहलाती है संग्राहक नलिका। क्या कहलाती है? संग्राहक नलिका, जो मूत्र को संग्रहित करने का कार्य करती है। और ये नीचे जाकर के कहाँ पे खुलती है? आपके मूत्राशय में खुलती है। कहाँ पे खुलती है? मूत्राशय में। अब देखो जो बोमेन संपुट है, इस बोमेन संपुट में एक तो केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केशिकाओं का गुच्छ, मतलब एक जाल पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो नलिकाएं लगी रहती है, इसमें से एक नलिका, ये दूसरी नलिका। एक नलिका जो रक्त को इसमें लाती है, रक्त को इस बोमेन संपुट में लाती है, उसे कहते हैं अभिवाही। उसे क्या कहते हैं? अभिवाही। और जो शुद्ध रक्त को वापस ले जाएगी यहाँ से, उसे कहते हैं अपवाही। क्या कहेंगे? अपवाही। संरचना किसकी? ये नेफ्रॉन की। किसकी संरचना? नेफ्रॉन्स की। अब देखो बोमेन संपुट प्याले नुमा संरचना है। संरचना की बात करें, प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे, प्रोसेस को आप डायग्राम के द्वारा समझो बस, और इसमें कुछ नहीं। प्याले नुमा संरचना है, इसके अंदर ये केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है? आपके केशिकाओं का गुच्छ पाए जाने के कारण यहाँ पे रक्त क्या क्या होता है? शुद्धिकरण या रक्त छन जाता है। ठीक है, फिल्टर हो जाता है। रक्त अभिवाही धमनिका के द्वारा आता है, छन जाता है रक्त। जैसे ये रक्त शुद्ध हुआ तो ये अपवाही धमनिका के द्वारा वापस चला जाता है। कहाँ पे? हमारी जो महाशिरा होती है, ये शरीर में वापस ले जाती है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे अशुद्धियाँ छन जाती है, ये अशुद्धियाँ कहाँ पर आ जाती है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। कहाँ पर आ जाती है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। ठीक है, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में इनमें से मान लो कोई ग्लूकोज वगैरह एमिनो अम्ल हो, उनका यहाँ पे रक्त में से ये सारे ग्लूकोज एमिनो अम्ल वगैरह यहाँ पे छन जाते हैं, तो इनका वापस अवशोषण कहाँ पे किया जाता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में इनका अवशोषण किया जाता है। अब ये आपसे इस पता, समीपस्थ कुंडलित नलिका से कहाँ पे जाएंगे? दूरस्थ कुंडलित नलिका में, और दूरस्थ कुंडलित नलिका से अवशोषण होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका अवशोषण कहाँ पे कर दिया जाता है? इस संग्राहक नलिका में, और संग्राहक नलिका से वो कहाँ पे चले जाते हैं? मूत्राशय में चले जाते हैं। ये प्रोसेस होती है सारी। ठीक है, देखो समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब देखो इस नेफ्रॉन्स में जो मुख्य क्रियाविधि होती है उसे बोलते हैं मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि। ठीक है, देखो मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि में तीन प्रक्रिया होती है। कितनी प्रक्रिया होती है? तीन प्रक्रिया। कौन कौन सी प्रक्रिया? सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लड आएगा, तो ब्लड का क्या होगा यहाँ पे? फिल्टर होगा, मतलब ब्लड छनेगा, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परानिसंधन बोलते हैं। छनने को क्या बोलते हैं यहाँ पे?
परानिसंदन। ब्लड छनता है तो उसे क्या कहते हैं, परानिसंदन, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, जैसे ब्लड छनेगा, मान लो यहाँ पे कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन गए अपशिष्ट पदार्थों के साथ में, तो उनका समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में क्या किया जाएगा, अवशोषण। तो उस सेकेंड प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्बेशन। क्या बोलते हैं, पुनः अवशोषण। क्या बोलेंगे, पुनः अवशोषण। हो गया पुनः अवशोषण। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या होगा, अवशोषण होगा तो वापस जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है वो अपशिष्ट पदार्थ आपके इस संग्राहक नलिका में पहुंचा दिया जाएगा। कहाँ पे, इस कलेक्टिंग जो डक्ट है इसमें पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे क्या हो जाएगा, उनका उत्सर्जन, या जिसे हम बोल सकते हैं स्त्रावण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्त्रावण बोलते हैं, सिक्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, स्त्रावण कर दिया जाता है। बात आई समझ में यहाँ पे, कि सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ब्लड आएगा। ब्लड आने के बाद में यहाँ पर इसका क्या होगा, फिल्टर होगा, मतलब क्या होगा, रक्त छनेगा। जैसे ही ब्लड यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर होता है, ये मान लो यहाँ पे ब्लड क्या हो गया, फिल्टर। फिल्टर होने के बाद में जो अशुद्धि आ गई, इन अशुद्धियों के साथ मान लो कोई आवश्यक पदार्थ भी रह गए, क्या रह गए, आवश्यक पदार्थ। ये आवश्यक पदार्थ ध्यान रखना, जो ग्लूकोज एमिनो अम्ल होगा उनका अवशोषण कहाँ पे किया जाएगा, आपके इस समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में। अवशोषण करने के बाद में जो प्रक्रिया होती है अवशोषण की, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके अवशोषण होगा। ये लो अवशोषण की प्रक्रिया कर दी, जो अतिरिक्त जल होगा उसका भी यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। अभी अवशोषण करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ वो है वो कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, आपकी संग्राहक नलिका में, और संग्राहक नलिका से वो कहाँ पे पहुँच जाता है, मूत्राशय में, और मूत्राशय के द्वारा उसको मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस आपके किसके, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में ये आपको तीन चरण लिखने, परानिसंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण। परानिसंदन मतलब अभिवाही धमनिका के द्वारा ब्लड आता है, इस केशिका गुच्छ के कारण क्या होता है, ब्लड यहाँ पे छन जाता है एक जालनुमा संरचना के कारण, वापस शुद्धरक्त अपवाही नलिका के द्वारा चला जाता है। यहाँ पे मान लो एस, यहाँ पे फिर क्या लिखना आपको, कि रक्त के साथ में कुछ आपके मेन आवश्यक पदार्थ भी क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं। इन आवश्यक पदार्थों का समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पुनः अवशोषण। और बाकी बचा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्त्रावण बोलते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आपकी किसकी होगी, उत्सर्जन तंत्र की। ये आपके सामने इधर वाला डायग्राम तो किसका है, उत्सर्जन तंत्र का, मानव का उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। और ये डायग्राम किसका हो जाएगा, आपके नेफ्रॉन का डायग्राम, किसका हो जाएगा, नेफ्रॉन, या जिसे हम क्या कहते हैं, व्रकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, व्रकाणु कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम एग्जाम में इनमें से ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन बनते हैं, या तो क्या पूछ सकता है कि मूत्र के निर्माण की क्रिया को समझो, तो आपको ये तीन चरण लिखने और जो मैंने अभी प्रोसेस बताई थी किस प्रकार से होती है वो प्रोसेस समझानी, और ये नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने। अगर आपको पूछे कि उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बनाए, तो ये डायग्राम बनाना आपको। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखना, और ये सारा आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम था, उत्सर्जन तंत्र, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।